हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब इसमें हम आज देखने वाले हैं कि हमने अभी तक जितना भी पैरामीटर्स पढ़ा हो, चाहे वो फिजिकल पैरामीटर हो, चाहे वो केमिकल पैरामीटर हो, चाहे वो बायोलॉजिकल पैरामीटर हो, उस पैरामीटर्स के अंदर किस रेंज तक हम लोग वाटर पी सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था टोटल सॉलिड है ना, उसके बाद टर्बिडिटी, कलर, कितने से कितने के बीच होना चाहिए, कितना यूरिट होना चाहिए तभी वो पीने योग्य है, इसके बारे में आज हम लोग को देखना है। ठीक है, उसी अपन क्या बोल रहे हैं, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, या उसे अपन बोल सकते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है, तो आज अपन ये पढ़ने वाले हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्लस इसके बाद अपन ये भी पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वाटर बोन डिजीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वाटर बोन डिजीज, मतलब ड्रिंकिंग वाटर अगर अपन खराब पीते हैं तो उससे हमको कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, उसके बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मलेरिया हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो जा रहा है, किसी को पीलिया हो जा रहा है, किसी को पेचिस हो जा रहा है, तो ये सब किस टाइप का बीमारी है, वाटर बोन डिजीज है ना, पानी से होने वाली बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, वाटर बोन डिजीज बोलते हैं। तो उसके बारे में भी आज अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले क्या करके पढ़ते हैं, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ पोर्टेबल वाटर बताता हूँ, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर के कारण कौन कौन से डिसीज होते हैं जिसे अपन वाटर ब्रोन डिसीज बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपको जो दिख रहा है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब इंडिया में ड्रिंकिंग वाटर का क्या लिमिटेशन रखा गया हुआ है, क्या परमिसेबल लिमिट रखा गया और क्या कॉज ऑफ रिएक्शन रखा हुआ है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आपको पता होगा कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड किसने पढ़ा था, हमने फिजिकल पैरामीटर में पढ़ा था, टर्बिडिटी फिजिकल पैरामीटर पढ़ा था। ऐसे ही हमने जितना भी पैरामीटर्स पढ़ा हुआ है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, सभी को एक साथ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या लिमिट्स हैं सबके, एक साथ अपन उसको बना के रखेंगे टेबल और हमको इससे अच्छे तरीके से वो आसानी से याद रहेगा, है ना। तो पहला आपको जो दिख रहा है वो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड का यूनिट क्या है, यहाँ पे परमिसिबल लिमिट है 500 और कॉस्ट ऑफ रिएक्शन है 2000। मतलब परमिसेबल लिमिट मतलब यहाँ तक आपका वैल्यू आएगा 500, जब अपन टोटल सस्पेंडेड सॉलिड किसी टेस्ट के द्वारा चेक करेंगे कि उसका क्या वैल्यू आ रहा है, तो वो अगर वो 500 आता है तो वो सही है, परमिसेबल लिमिट है, मतलब उसे अपन पी सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर वो 2000 के पास या उससे अधिक आता है तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये वाला इंपॉर्टेंट, जो टिक मारते जा रहा हूँ ना उसको आपको याद करना है। ठीक है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, परमिसेबल लिमिट 500 है, कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन 2000। वैसे ही टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब NTU लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या है, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, हमने बहुत सारे टर्बिडिटी चेक करने के बहुत सारे हमने टेस्ट पढ़ा था, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड है ना, और बेलिसिस टर्बिडिटी मेथड, ऐसा बहुत सारे हमने टर्बिडिटी चेक करने के मेथड्स पढ़े थे, टेस्ट पढ़े थे, उन्हीं में से NTU जो है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट से चेक किया गया, यहाँ पे लिमिट लिखा गया है। तो NTU टर्बिडिटी कितना होना चाहिए यहाँ पे, 1 to 10। पहले अपन 500 से 2000 करेंगे आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, फिर आपका टर्बिडिटी जो है वो 1 to 10 होना चाहिए, उसके बाद कलर TCU, TCU मतलब होता है ट्रू कलर यूनिट। ठीक है, TCU मतलब होता है ट्रू कलर यूनिट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो, TCU मतलब होता है, यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रू कलर यूनिट। ठीक है, TCU मतलब ट्रू कलर यूनिट होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है ट्रू कलर यूनिट की 5 to 25 है। ठीक है, 5 मतलब परमिसिबल लिमिट है और 25 के यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन, 25 या उसके पार आता है तो अपन इसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना, 5 लगे तो अपन पीने योग्य इसको समझेंगे। उसके बाद है आपका टेस्ट एंड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद अपन टेस्ट एंड ऑर्डर, यहाँ पे क्या लिखा है, टन, यहाँ पे क्या लिखा है, टन लिखा है, मतलब टन मतलब होता है थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है, थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है, थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर ये है टन का फुल फॉर्म। तो इसकी जो लिमिट है, देखो टेस्ट, टेस्ट क्या है, अनडिजायरेबल है टेस्ट, हम लोग इसका कोई यूनिट नहीं होता टेस्ट का, अपन नॉर्मली चेक करेंगे, चेक करने पे हमको उसका स्वाद खारा या खराब टाइप लगेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अच्छा मीठा लगेगा, पीने योग्य लगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो टेस्ट का तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन ओडोर का है थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, 1 to 3 होनी चाहिए। ठीक है, कितना, 1 to 3 होना चाहिए। इसके बाद ये था आपका फिजिकल पैरामीटर, ये जो अपन पढ़ा है अभी,
ठीक है, ये सब क्या था आपका फिजिकल पैरामीटर के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है, ये सब क्या था आपका फिजिकल फिजिकल पैरामीटर था। इसके बाद नीचे आपको दिख रहा है केमिकल पैरामीटर्स हैं, केमिकल पैरामीटर्स में जो रूटीन मारूंगा उसी को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल पैरामीटर में आपके पास पहला जो पॉइंट है वो क्या है आपका टोटल डिजोल्व सॉलिड, ठीक है, टोटल डिजोल्व सॉलिड इन मिलीग्राम, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है 500 से 2000 मिलीग्राम, ठीक है, फिर 500 से ओनली 2000 मिलीग्राम, मतलब 500 क्या परमिसिबल लिमिट है और 2000 क्या है कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन। वैसे ही एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी की यूनिट यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर है, एल्कलिनिटी की वैल्यू होनी चाहिए 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 200 मतलब 200 मिलीग्राम पर लीटर आपका परमिसिबल लिमिट है और 600 कॉस ऑफ रिडक्शन। इसके बाद पीएच, पीएच में अपन क्या देखा था, पीएच आपको याद होगा, तो मतलब पीएच की अगर आपका पीएच 7 to 8.5 है तभी आप वो पानी पीने योग्य है, और कॉस ऑफ रिडक्शन क्या होगा अगर पीएच वाटर का पीएच लेस देन 6.5 या ग्रेटर देन 9.2 रहेगा तो वो क्या रहेगा आपका कॉस ऑफ रिडक्शन रहेगा, आप उसे नहीं पी सकते, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब कोई सा भी वाटर का पीएच अगर 7 to 8.5 के बीच होगा तभी आप उस वाटर को पी सकते हो, वो पीने योग्य पानी होगा, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हार्डनेस, हार्डनेस की यूनिट क्या है मिलीग्राम पर लीटर में है और हार्डनेस की वैल्यू रहेगी 200 से 600। तो यहाँ पे आप दो चीज याद कर सकते हैं, यहाँ पे तो देख सकते हैं कि एल्कलिनिटी और हार्डनेस का वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ऐसे आपको दो चीज याद हो जाएगा, दोनों का वैल्यू कितना है यहाँ पे 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर, सेम यूनिट सेम डाटा सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्लोराइड कंटेंट है, क्लोराइड कंटेंट की वैल्यू कितनी है 250 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पे भी क्या है 250 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर, ये है 250 कॉस परमिसेबल लिमिट है और 1000 कॉस ऑफ रिडक्शन। उसके बाद फ्री अमोनिया, ठीक है, फ्री अमोनिया 0.15 to 0.15, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपकी जो वैल्यू परमिसेबल लिमिट 0.15 ही है, अगर इससे अधिक या इससे कम आएगा तो अपन इसको कॉस ऑफ रिडक्शन मानेंगे, इसलिए दोनों वैल्यू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक अमोनिया जो है वहाँ पे 0.3 to 0.3, नाइट्रेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमने लिखा 0, इसको भी याद कर सकते हो 0 0 वैल्यू लिख देना, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइड, नाइट्राइड 45 45, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है 45 मिलीग्राम पर लीटर, आपको याद होगा नाइट्राइड के बारे में, अगर नाइट्राइड की अधिक हो जाएगा तो क्या डिजीज होता है ब्लू बेबी डिजीज होता है, ठीक है, अगर नाइट्राइड अधिक हो जाता है कहीं पे भी, ठीक है, नाइट्राइड की वैल्यू अधिक रहती है पानी में तो क्या होगा, और किसी भी इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज का कलर ब्लू हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे अपन ब्लू बेबी डिजीज, नाइट्राइड के कारण होता है, इसको हमेशा हमको याद रखना है। इसके बाद है आपका फ्लोराइड कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट कितना है 1 to 1.5, मतलब इतना ही रेंज आपका रहना चाहिए, इससे अगर अधिक होता है तो क्या होगा आपका दांत गल जाएगा, ठीक है, फ्लोरेसिस होता है, फ्लोराइड कंटेंट से फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पे कौन सी बीमारी होती है फ्लोरेसिस होती है, जिसके कारण हड्डी दांत सब गल जाते हैं, ठीक है, आपका जो बोन है बोन पूरा का पूरा गल जाएगा अगर अपन फ्लोरेसिस की फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा ले लेते हैं तो, ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद अपन देखेंगे, ठीक है, तो ये सब मेन मेन पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं, याद करो अच्छे से, और ये सब एग्जाम में भी आता है, ठीक है, तो ये जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको दिखा दिया हूँ, इस मेन मेन पॉइंट को आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, और आप अपने से कुछ भी यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लग रहा होगा यहाँ पे आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी मैं आपको बताया हूँ वो सब आपका मेन मेन पॉइंट है, उस मेन मेन पॉइंट आप याद करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि इजी में और क्या इजी है, ये मर्क्यूरी इजी है ना, मर्क्यूरी 0.001 to 0.001, मतलब आपका मर्क्यूरी की वैल्यू एग्जैक्ट 0.001 ही होनी चाहिए, ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, इससे ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, इससे कम होगा तो भी कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, वैल्यू कितनी होनी चाहिए ऑलवेज 0.001 ही होना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका डेटा है, मैं आपको डेटा और दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे जो बीसी पुणे में बुक है इसमें भी ऐसा दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, जैसे कि हमारा जो सिलेबस है सिलेबस में दो चीज ये बोला है कि उसमें आपको इंडियन स्टैंडर्ड का भी वैल्यू देखना है और WHO द्वारा जो वैल्यू यहाँ पे बताया गया है वो भी आपको बताना होगा, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर टर्बिडिटी 5 से 25 लिखा है ppm, वैसे ही WHO में भी क्या लिखा है 5 से 25, कलर है 5 से 25, आप WHO में 5 से 50, ऐसा आपको दोनों ही आपको समझना पड़ेगा कि ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक कमेटी है इंडिया द्वारा जो कि ये सब डेटा आपको देता है, ठीक है, कौन सा लिमिट जो चेक करता है, वाटर क्वालिटी कौन चेक करता है, ICMR चेक करता है, इंडियन स्टैंडर्ड ICMR चेक करेगा। उसके बाद वैसे केमिकल का भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, एक बार आप देख लोगे इसको तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड और WHO में क्या डिफरेंस है और क्या क्या वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि pH सेम रहेगा, टोटल सॉलिड भी सेम रहता है ना, और आपका नाइट्राइट सेम रहेगा, फ्लोराइड कंटेंट सेम रहेगा, जो मेन मेन पॉइंट है वो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ वाटर। इसके बाद आगे देखते हैं हमारे वाटर बोर्ड डिजीज के बारे में, ठीक है, तो वाटर बोर्ड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं एक करके। तो यहाँ पे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, किस किस प्रकार से आप वाटर बोर्ड डिजीज क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो वाटर बोर्ड डिजीज आप पता ही है कि क्या होता है, वाटर के द्वारा फैलने वाली बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, वाटर बोर्ड डिजीज बोलते हैं, ठीक है। वाटर बोर्ड डिजीज आर दोज डिजीज व्हिच स्प्रेड प्राइमरीली थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड द इम्पोर्टेंट वाटर बोर्ड डिजीज आर, यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, ठीक है, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू वायरल इन्फेक्शन, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू प्रोटोजोआ एंड क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू पैरासिटिक वॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज देखने मिलेगा, पहला देखने मिलेगा आपको बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा अलग तरीके से बांटा गया है, फिर वायरल मतलब वायरस के द्वारा अलग तरीके से बांटा गया है, फिर आपका प्रोटोजोआ के द्वारा अलग तरीके से बांटा गया है, और पैरासिटिक के द्वारा अलग तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, डिसीज फ्रॉम बैक्टीरिया, डिसीज फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन या वायरस, डिसीज फ्रॉम प्रोटोजोआ और डिसीज फ्रॉम पैरासिटिक वॉर्म्स, ठीक है। तो इस प्रकार अपन चार चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और आपको याद होगा हमने केमिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर या आपका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर में हमने बैक्टीरिया के बारे में डिटेल स्टडी किया था कि बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है और बैक्टीरिया को चेक करने के लिए कौन कौन से हमारे पास केमिक बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में किया है पढ़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो आपका बैक्टीरिया से क्या हो सकता है बीमारी, यहाँ पे आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला लिखा है टाइफाइड फीवर, ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है टाइफाइड फीवर, टाइफाइड हो सकता है आपको बैक्टीरिया के द्वारा, या हो सकता है आपको कोलेरा, कोलेरा भी एक प्रकार की बीमारी होती है, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा उसको अपन कैसे अपन परिभाषित कर सकते हैं, और आपका है बैसिलरी डाइसेंट्री, ठीक है, डाइसेंट्री मतलब होता है पेचिस, ठीक है, तो ये है बीमारी हो सकती है आपके बैक्टीरिया के द्वारा। इसके बाद डिजीज कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में देख सकते हैं वायरस, वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरस से, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस हो सकता है या जॉइंटिस हो सकता है ना, पिलिया जिसको बोलते हैं, तो ये आपका वायरल वायरस से हो सकता है। उसके बाद आपका पोलियो माइलिटिस है कॉज बाय पोलियो वायरस, ठीक है, तो ये भी आपका किस टाइप का बीमारी है, अगर वायरस आपका पानी में फैल जाएगा और वो पानी आपको पी जाओगे तो आपको जॉइंटिस हो सकता है या पोलियो जैसी बीमारी आपको हो सकती है, ठीक है, तो ये आपको वायरस से हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, एमियोबिक डाइसेंट्री हो सकता है, इसमें भी आपको पेचिस हो सकता है प्रोटोजोआ से, ठीक है, पेचिस जैसी बीमारी हो सकती है। उसके बाद गायरोडायसिस हो सकता है कॉज बाय गायरियाडिया या लैम्बिलिया, ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत ही खतरनाक नाम है इसका, याद करने में परेशानी हो सकती है, तो जो जो आपको आसान लगता है जैसे पोलियो हो गया, डाइसेंट्री हो गया, पेचिस जिसे अपन बोलते हैं, जॉइंटिस हो गया, पीलिया है ना, और आपका फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जो नॉर्मल नॉर्मल नेम है आप उसको याद रखें और वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से एक और है आपका पैरासिटिक वॉर्म से अपन कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, इसका नाम बहुत खतरनाक लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होगी और प्रोटोजोआ वायरस से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण आपको बीमारी हो सकती है, जो आपको हार्म आपको परेशानी पहुंचा सकता है, कौन सा बैक्टीरिया आपको सबको याद होगा, है ना, पर हमने पढ़ा था बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एक होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया।
तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के कारण किसी भी ह्यूमन एनिमल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकता है, उससे उसको बीमारी हो सकता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा। और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता था? उससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिक्कत परेशानी बीमारी नहीं होती थी। ठीक है, तो आपका वाटर बॉर्न डिजीज भी कौन से बैक्टीरिया के कारण होगा? आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया के कारण ही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही खतरनाक है, उससे ही आपको बीमारी हो सकती है। तो उसी बारे में जब देखते हैं तो वही चीज यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एज स्टार्टेड अर्लियर, वाटर बॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कैरीड बाय वाटर कंटेनिंग फीकल और सीवेज कंटामिनेशन। द इंपॉर्टेंट वाटर बॉर्न डिजीज आर टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, डाइसेंट्रीज, एमोबिक या बैसिलरी। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो मेन अपन थोड़ा सा जब वाटर बॉर्न डिजीज आएगा तो छोटा सा ऐसे डेफिनेशन लिख देंगे कि वाटर बॉर्न डिजीज हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, जो कि आपका ह्यूमन द्वारा फैलाए गंदगी कारण हो सकता है, या सीवेज द्वारा निकला हुआ गंदे पानी, या इंडस्ट्री द्वारा निकले गंदे पानी के कारण आपका यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में और देखते हैं, फिर स्मॉल डिवाइड कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। ठीक है, डिजीज में भी ग्रुप इन फोर हेड्स। ठीक है, पहला है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, पहला क्या है आपका बैक्टीरिया वाला डिजीज हो गया, फिर प्रोटोजोआ डिजीज हो गया, फिर वायरस से क्या क्या डिजीज हो सकता है, और लास्ट में हेलमिनेटिक वॉर्म डिजीज क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एक अपन पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाला पहला डिजीज का नाम है यहाँ पे टाइफाइड और फीवर। ठीक है, पहला क्या डिजीज का नाम है बैक्टीरिया से होने वाला? टाइफाइड और फीवर। ठीक है, आप सबको पता है टाइफाइड फीवर कैसे होता है, अगर आपने कभी भी कहीं पे भी गंदा पानी पी लिया है ना, कहीं पे भी गंदा पानी आप बस गंदे पानी का सेवन कर लेते हो तो आपको हमेशा टाइफाइड या फीवर होने की संभावना पूरी रहती है। कभी भी फीवर ज्यादा टाइम तक रह रहा है तो सभी बोलते हैं कि चेक करो, और लास्ट में क्या निकलता है, टाइफाइड ही निकलता है। तो टाइफाइड कैसा होता है? आपका बैक्टीरियल डिसीज एक प्रकार का, जो कि एक प्रकार का वाटर बॉर्न डिसीज ही है, जो कि आपका गंदे पानी पीने के कारण आपको होता है। ठीक है, तो वही चीज बस यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जैसे पता है ना टाइफाइड के बारे में, आप सेम टू सेम वैसा आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हो अगर थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो, या आप इसमें से भी देख के थोड़ा बहुत आप समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीमारी तो वही है, बीमारी के बारे में अगर हमको पता है तो हम उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर पर क्या लिख सकते हैं? टाइफाइड फीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडेमिक एंड एपिडेमिक वाटर बॉर्न डिजीज ऑफ रीजन वेयर वाटर सप्लाईज आर ड्रॉन फ्रॉम सरफेस सोर्स एंड कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन फेसेस और यूरिन। मतलब मेन दिक्कत क्या हो रहा है टाइफाइड फीवर का, जो ये वाटर बॉर्न डिजीज है प्रकार का, और इसमें जो ह्यूमन का जो एस्क्रीटा है, ह्यूमन के द्वारा गंदा मल जल है वो, या उनका यूरिन के द्वारा जो भी यहाँ पे पानी में मिक्स हो जाता है, तभी उसके कारण ही आपको टाइफाइड या फीवर होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, ये चीज है आपका टाइफाइड फीवर, आप इस प्रकार से आप लिख सकते हो इस चीज को, है ना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है पैरा टाइफाइड फीवर। ठीक है, सेकेंड है आपका पैरा टाइफाइड फीवर, ये भी एक प्रकार का, ये जो है, ठीक है, ये किस प्रकार के होता है इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका पैरा टाइफाइड फीवर होता है, ये फीवर भी पानी के द्वारा ही, जितना भी अपन पढ़ने वाले हैं सब पानी के द्वारा ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारे फूड ऐसे होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, पानी वाले जो डेयरी प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, मिल्क हो गया और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का खराबी होती है और उसको अपन पानी में फेंक देते हैं तो इसके द्वारा जो बीमारी हो सकता है वो कौन सा बीमारी हो सकता है आपके पास? पैरा टाइफाइड फीवर हो सकता है। ठीक है, इसको देखें यहाँ पे पैरा टाइफाइड फीवर में क्या लिखा हुआ अच्छे से। पैरा टाइफाइड फीवर इसमें अपन देख सकते हैं, दिस फीवर इज मोस्टली ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड स्पेशली डेयरी स्पेशली मिल्क। ठीक है, स्पेशली मिल्क, ड्राइड और फ्रोजन एग्स एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स अगर कुछ खराब हो जाता है या इसमें अपन कुछ मिलावट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको अगर अपन सेवन कर लेते हैं तो इसके द्वारा जो बीमारी हो सकता है वो क्या होगा आपका? पैरा टाइफाइड फीवर। ये भी एक प्रकार का फीवर ही है, जैसे ऊपर टाइफाइड फीवर था ना उसे के एडवांस वर्जन है, उसी का ही, जो भी डेयरी प्रोडक्ट से आपका फीवर होगा वो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? पैरा टाइफाइड फीवर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन पैरा टाइफाइड फीवर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट बीमारी है कोलेरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बीमारी है आपका कोलेरा। कोलेरा को देखते हैं कोलेरा क्या होता है। देखो कोलेरा भी क्या होता है पता है, जो ह्यूमन के द्वारा गंदा फैलाया गया हुआ सामान है, सामान को अपन कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है,
ह्यूमन के द्वारा फैलाए गए गंदगी से जो बीमारी होगी उसे अपन क्या बोल सकते हैं, कोलेरा बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रकार का क्या है आपका, वाटर बोर्न डिजीज ही है। इसको देखते हैं एक बार। दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम वाइब्रो कोलेरी, यूजुअली द इंफेक्शन इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड बाय इंफेक्टेड ह्यूमन फीकल मटेरियल। ठीक है, फीकल मटेरियल मतलब ह्यूमन द्वारा वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है, जो भी एक्सक्रीटा होगा या सीवेज होगा, उनसे जो अपन गंदा पानी फैला रहे हैं उससे जो बीमारी होगा उसका नाम क्या है, कोलेरा ही है। ये भी एक प्रकार का फीवर ही है, लेकिन ये फीवर जो आपका टाइफाइड का जो फीवर था उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है ये कोलेरा बीमारी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को लिख सकते हैं कि एज कंपेयर टू, यहाँ पर देखना, एज कंपेयर टू टाइफाइड फीवर, कोलेरा इज मच मोर वायलेंट इन इट्स ऑनसेट एंड मोर फ्लूमेंटिंग इन इट्स केमिकल कोर्स। ठीक है, मतलब इसको ठीक होने में बहुत समय लगता है, प्लस और ये जो टाइफाइड फीवर से भी खतरनाक बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कोलेरा में ऐसा छोटा छोटा पार्ट लिख सकते हैं, जितना भी समझ आता होता आप लिखना। ठीक है, नहीं लिखना होगा ना तो अभी आप बस ये कोलेरा नाम लिख देना, और बस कोलेरा नाम लिख देना। ठीक है, कोलेरा से आपका किससे फैलता है, कैसे फैलता है, वाटर कंटामिनेटेड बीमारी है जो कि ह्यूमन द्वारा गंदगी से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा आप छोटा छोटा पॉइंट जो भी समझ आता है उसको अपन अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हो गया आपका बैसिलरी डायसेंट्री। बैसिलरी डायसेंट्री मतलब होता है आपका वायरस, वाटर गंदा पानी पीने के कारण कई बार पेचिस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अपन ORS पीते हैं, बहुत सारा अपन दवाई वाई खाते हैं, तो ये जब आपका जो बैसिलरी डायसेंट्री, इस प्रकार का डायसेंट्री मतलब होता है पेचिस। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं, ये भी अपन पेचिस भी कब होता है, जब अपन गंदा पानी पी देते हैं या गंदा खाना खा देते हैं, खराब खाना खा देते हैं, तब इस टाइप का बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ से लिख सकते हैं, दिस डिसीज इज मोस्टली कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय फ्लाइज और अनहाइजेनिक फूड इन हैंडलर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है, किसी फूड में मक्खी बैठ गया, मच्छर बैठ गया, तो उससे जो बीमारी होगी वो होगी पेचिस डायसेंट्री होगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है अनहाइजेनिक फूड खाते हैं, जैसे बिना हाथ धोए किसी को ऐसा खाना खा दिया अपन। ठीक है, कुछ भी अपन कुछ भी टच किए हैं और उसके बाद अपन खाने को टच करके खा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का अनहाइजेनिक हो जाएगा। ठीक है, साफ सुथरा अपन नहीं कर पा रहे, तो इस प्रकार की जो बीमारी होगी वो आपका डाइसेंट्री हो सकता है। ठीक है, बैसिलरी डाइसेंट्री हो सकता है। ठीक है, और इट मे बी समटाइम्स बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय कंज्यूमिंग वाटर कंटेमेंट बाय ह्यूमन फीकस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का वाटर बोर्न डिजीज ही है। अगर ह्यूमन द्वारा गंदगी उत्पन्न किया जाता है और उस गंदगी गंदे पानी को अगर ह्यूमन पी जाता है तो उसको डायसेंट्री हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको समझना है कि बैसेंट्री डायसेंट्री, बैसिलरी डायसेंट्री क्या होता है, ये सब क्या अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सब किसका प्रकार था आपका, बैक्टीरिया के प्रकार था। किसके प्रकार था, ये बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से अपने को फीवर हो सकता है, पैरा टाइफाइड फीवर हो सकता है, कोलेरा हो सकता है और बैसिलरी डायसेंट्री हो सकता है। इस चीज हमको याद रखना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से है। ठीक है, ये सब वाटर बोर्न डिजीज के अंतर्गत है ना, वाटर बोर्न डिजीज के अंतर्गत बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, कोलेरा या बैसिलरी डायसेंट्री हो सकता है आपको। ठीक है, आपको नहीं भाई, किसी को भी हो सकता है, हुआ ही है किसी ना किसी को, टाइफाइड फीवर हो जाता है ना, ये सब होता ही है, डायसेंट्री होता ही है कभी ना कभी किसी ना किसी को। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोटोजोअल डिसीज। ठीक है, या तो प्रोटोजोअल डिसीज बोल सकते हैं। तो प्रोटोजोअल डिसीज से भी आपको डायसेंट्री हो सकता है। क्या होगा, इससे भी आपको डायसेंट्री होगा। इसमें दो प्रकार के डायसेंट्री हो सकते हैं आपको। पहला है, यहाँ पे पढ़ना इसको, दिखता है आप लोगों को, एक मिनट ना साइड कर देते हैं, अब दिखेगा। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे आपका एमियोबेसिस डायसेंट्री और दूसरा है एमियोबिक डायसेंट्री। ये भी दो प्रकार के पेचिस हैं। ठीक है, तो ये भी बीमारी आपको किससे हो सकता है, आपको गंदे पानी पीने से हो सकता है, या आपको किसी भी फूड किसी भी वाटर पे कोई सी मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं और वो किसी गंदगी से आए हुए रहते हैं, तब भी आपको ये प्रोटोजोअल डिसीज जो आपका एमियोबेसिस या एमियोबिक डायसेंट्री हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ये लास्ट चीज में लिखा हुआ है, इन्फेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ दिस साइट्स व्हिच आर कैरीड बाय वाटर और फ्लाइज और इवन ह्यूमन फिंगर्स। ठीक है, हमारे फिंगर भी, नाखून भी गंदे होते हैं, हाथ भी गंदे होते हैं, तभी ये आपको बीमारी हो सकती है। तो इस प्रकार से समझना है प्रोटोजोअल डिसीज क्या होता है। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट लिखना, जो जो आपको इस चीज से समझ आ रहा हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको इस चीज से समझ आ रहा होगा, छोटा मोटा पॉइंट सब आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटोजोअल डिसीज। इसके बाद है आपका, ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका
वायरस डिजीजेस, ठीक है, क्या नाम है इसका, वायरस डिजीजेस। तो वायरस, वायरस डिजीजेस मतलब वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी जो कि वाटर के द्वारा होगा। तो वायरस एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। ये जो वायरस है किसके द्वारा फैल रहा है, ह्यूमंस के द्वारा फैल रहा है। किसी भी चीज को अपन टच करें, फिजिकली टच कर रहे हैं, कोई इंसान हमारे सामने खड़ा है तो वो हमारे सामने खांस रहा है या छींक रहा है या सांस ले रहा है लंबी लंबी, तो उससे भी हमको वायरस आ सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिजिकली टच, या किसी को छूने छाने से आपका वायरस आ सकता है। तो वाटर बॉर्न डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज में जो वायरस काम है, वायरस किसी प्रकार का, कितने प्रकार का, बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं, और वायरस बहुत ही जल्दी फैलता है हवा और पानी से, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन से समझ सकते हैं कि पानी में अगर वायरस मिल जाता है तो वहां पे वो मल्टीपल नंबर्स अपना ले सकता है, ठीक है। मल्टीपल नंबर में वो बढ़ सकता है, बहुत सारे वायरसेस वहां पे पानी में, पानी के द्वारा फैल सकता है, और बहुत लोगों को यहाँ पे बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे समझना है। एनी वायरस, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ना। एनी वायरस एक्सक्रेटेड एंड कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन व्हेन इंजेस्टेड कुड बी ट्रांसमिटेड बाई वाटर, ठीक है। अगर वो पानी में मिल गया तो बहुत सारे हमको बीमारी, बहुत लोगों को हो सकता है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझना है। दोस वायरस दैट कैन बी मल्टीप्लाई इन द इंस्टेंशियल वॉल एंड दैट आर डिस्चार्ज इन लार्ज नंबर ऑफ फीसेस आर मोर कंसर्न, ठीक है। मेन दिक्कत यही है कि वायरस पानी हवा में बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी फैलता है। हवा में तो और जल्दी फैलता है, पानी में भी जल्दी फैलता है, तो इस चीज को हमें समझना है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि ये वायरस कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द एंटायर वायरस ग्रुप, पहला है आपके पास पोलियो वायरस। पोलियो वायरस भी प्रकार का पानी के द्वारा फैलने वाला वायरस है। उसके बाद कॉक्सेकी वायरस है हमारे पास, उसके बाद है इको वायरस। ये सब ऐसे वायरसेस हैं जो पानी के द्वारा फैले हैं और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाए गए हैं, ठीक है। तो ये है आपको छोटा मोटा दिख देना पॉइंट यहाँ पे। जैसे कि पहला पॉइंट है कि वायरस डिसीज जो है पानी के द्वारा बहुत जल्दी फैल सकता है, ट्रांसमिटेड बाई वाटर, ठीक है। इसके बाद ये बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, और मतलब कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं आप वायरस के बारे में कि पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोलियो वायरस था, फिर आपका कॉक्सैकी वायरस था, और आपका इको वायरस था जो कि बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं वायरल डिसीज को। इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पे, हेलमेंथिक वॉर्म डिसीज, ठीक है। हेलमेंथिक वॉर्म डिसीज अपन पढ़ेंगे। हेलमेंथिक वॉर्म डिसीज में अपन देखेंगे, ये भी एक प्रकार का एक डिसीज है जो वाटर के द्वारा होता है, जिसके कारण आपको फीवर हो सकता है। सारे डिसीज जो है वाटर के कारण हो रहे हैं, इसलिए ये वाटर बॉर्न डिसीज के अंतर्गत है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसमें भी आपको हेलमेंथिक वॉर्म डिसीज में भी आपको फीवर हो सकता है, ठीक है। फीवर होने की पूरी पूरी संभावना होती है। और ये फैलता कैसे है, आपका जो हमारे घर से जो सीवेज वाटर निकलता है, नाले का पानी होता है, अगर वो कहीं पे भी ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, या खराब खाद्य पदार्थ को अपन फेंक देते हैं पानी में, तो इससे जो बीमारी हो सकती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हेलमेंथिक वॉर्म डिसीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे समझना अपने को। इसका जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, मेन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये जो फैलेगा वो कैसे फैलेगा, द एग एंड लार्वा ऑफ इंटेंशियल वॉर्म्स आर डिस्चार्ज इन टू फीसेस। द कॉमन डिसीज दैट आर स्प्रेड आर सिस्टोसोमाइसिस एंड स्वीमर इच। मतलब सिस्टोमाइसिस मतलब क्या होता है, इसमें आपको फीवर ही होगा। सिस्टोमाइसिस मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस बीमारी, ये आपका केमिकल नेम लिखा हुआ है, डॉक्टर लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का फीवर ही है ये, ठीक है। एक प्रकार का ये फीवर ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फीवर होता है, सबको पता है। कई सारा फीवर जल्दी उतर जाता है, कई सारा फीवर बहुत लेट से उतरता है, कई सारा फीवर अंदर ही रहता है। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फीवर हम लोग नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं, लेकिन डॉक्टर लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज में इसको और भी डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग है। यहाँ पे जो सिस्टोमाइसिस है, ये भी एक प्रकार का फीवर है, जो कि आपका किससे फैलता है, एग, एग से फैल सकता है, लार्वा से फैल सकता है, जो कि पानी में मिलेगा, ठीक है। सिस्टोमाइसिस आपको नहीं दिख रहा होगा क्या, चलो अब दिखेगा, ठीक है, अभी ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा। मैं इस बारे में बात कर रहा था, जो सिस्टोमाइसिस बीमारी है वो भी एक प्रकार का फीवर ही है, जो कि एग लार्वा को अगर अपन पानी में फेंक देते हैं और वो वहां पे सड़ जाता है, तो आपको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो आपको यही समझना था, जो मेन मेन पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको अपन समझ के इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर बॉर्न डिसीज के बारे में। वाटर बॉर्न डिसीज चार प्रकार से हो सकता है, कौन कौन सा, बैक्टीरियल, और बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोजोवा, वायरस, और ये आपका हेलमेंथिक डिसीज हो सकता है, ठीक है।
ये था आपका वाटर मोडिस के बारे में। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा है, आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ पोर्टेबल वाटर बताया मैंने, स्टैंडर्ड्स ऑफ पोर्टेबल वाटर या स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इसके बारे में हमने पढ़ा, लिमिटेशन पढ़ा कि परमिसिबल लिमिट क्या हो सकता है और आपका कॉस्ट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि वाटर बॉर्न डिजीज कितने प्रकार के होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज कैसे कैसे फैल सकते हैं, किस किस प्रकार से अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा दो टॉपिक छूटा हुआ था इस क्वालिटी ऑफ वाटर से, वो आज अपन ने कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लास अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट अपन किस किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सा यहाँ पे प्रोसेस होगा, उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, मैं आपको बुक तो है ही, ठीक है, ग्रुप में बुक है, और जो छोटा मोटा जो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं अभी आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।